नमस्कार। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि इस संसद भवन में ये उनका पहला संबोधन है। आजादी के अमृत काल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है, भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है, हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बीता वर्ष भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा वर्ष रहा। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही इकोनॉमी के तौर पर आगे बढ़ा। बीते दो तिमाहियों में देश की विकास दर 7.5% से ऊपर रही, जो उत्साहित करने वाली बात है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में मेरी सरकार ने अनेकों कार्य किए हैं, जिसका इंतजार लोगों को सदियों से था। राम मंदिर बनाने से लेकर आर्टिकल 370 हटाने तक का काम मेरी सरकार ने पूरा किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले 10 सालों की कुछ उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश में पहली बार बड़े समुद्री पुल अटल सेतु का निर्माण हुआ। भारत में वन नेशन वन पेंशन का नियम भी लागू किया गया। पहली बार भारतीय सेना में CDS की नियुक्ति की गई। इसके अलावा वंदे भारत, भारत का टॉप 5 इकोनॉमीज में पहुंचना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक बनना, इन सभी उपलब्धियों के बारे में भी द्रौपदी मुर्मू ने बताया। बता दें कि ये साल का पहला तो मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र है। इसके अलावा इस साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पूर्ण बजट नई सरकार के गठन के बाद जुलाई में पेश किया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।